हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर प्रॉब्लम की, रिवर प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन की। मान लेते हैं कि ये हमारी एक रिवर है जो वेलोसिटी u से फ्लो कर रही है। रिवर का जो पानी है वो वेलोसिटी u से फ्लो कर रहा है। तो ऐसे में इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़ें, मैं फिजिक्स में रिवर क्या होती है और रिवर से रिलेटेड कुछ टर्म्स क्या होती हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। ज़्यादातर चीज़ें आप पहले से जानते होंगे, बट फिर भी एक बार जस्ट टू मेक श्योर कि सबको बेसिक चीज़ें पता हैं। तो रिवर उधर जा रही है वेलोसिटी यू से। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है उसको हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन को अपस्ट्रीम कहते हैं। ये डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन हो गया, ये अपस्ट्रीम डायरेक्शन हो गया। दूसरी चीज ये कि जो साइड्स होती हैं इनको हम कहते हैं बैंक। रिवर का जो किनारा होता है उसको कहते हैं बैंक। तीसरी चीज, हमारी फिजिक्स में रिवर कैसी होती है, हम बहुत ही स्पेसिफिक केस के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही आइडियल केस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में रिवर एग्जैक्टली ऐसी नहीं होती। जब हमने कहा कि रिवर की वेलोसिटी यू है तो हम अज्यूम कर रहे हैं रिवर में जितना भी पानी है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी यू है। दैट मीन्स रिवर एकदम फ्लैट है, कोई टर्बुलेंस नहीं है, एकदम स्मूथली फ्लो कर रही है वेलोसिटी यू से। एवरी पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी यू। तो उस रिवर को आप इमेजिन कर सकते हो कि रिवर नहीं है बल्कि स्विमिंग पूल है जो कि वेलोसिटी यू से चल रहा है। तो हमारी फिजिक्स की रिवर वैसी होती है, एकदम स्मूथ जा रही है। ये आइडियल रिवर। और हम जब बोलते हैं रिवर वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो आपको दे रखा है क्या है, रिवर वेलोसिटी इज इक्वल टू यू, आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा आपको एक टर्म और बोली जाती है किसी स्विमर के बारे में या स्टीमर के बारे में या बोट के बारे में, जो भी। तो मैं स्विमर के लिए लिख रहा हूं, मैंने लिखा स्विमिंग स्पीड। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। देखिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर मतलब अगर स्विमर स्विमिंग पूल में स्विम करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। लेट्स से वो वेलोसिटी v है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, स्टिल वाटर में स्विमर की वेलोसिटी v है, दैट मींस रिवर में कितनी है सोचना होगा। स्टिल वाटर में v है, दैट मींस अगर आप रिवर में वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो आपको दिया हुआ क्या है डेटा, रिवर अगर रेस्ट पर है तो वेलोसिटी वी है। पानी को स्टिल करना होगा, स्टिल कैसे करोगे, रिवर के रेफरेंस फ्रेम में चले जाओगे। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपको वी गिवन है, उसी को स्विमिंग स्पीड कह सकते हो, उसी को वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर कह सकते हो, या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कह सकते हो। वो मान लेते हैं आपको गिवन है वी। तो स्विमिंग स्पीड या वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर एक ही चीज है। अब अगर आपको वो वेलोसिटी v दे रखी है तो आप क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू v। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमिंग वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, उसके स्विम करने की वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी। अभी हम बात कर रहे हैं
रिवर प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन, मतलब हमारा स्विमर एक स्ट्रेट लाइन में स्विम करने वाला है। अगर हमारा स्विमर खुद से वेलोसिटी वी से स्विम करता है तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि स्विमर की नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, खुद की वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी, दैट इज यू। तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी प्लस यू, अगर ये डाउनस्ट्रीम में जाता है तो। वहीं अगर स्विमर अपस्ट्रीम स्विम कर रहा है, मतलब खुद से स्विम कर रहा है ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में रिवर के वेलोसिटी वी से, तो रिवर इसको उल्टे डायरेक्शन में ले जाएगी वेलोसिटी यू से, और इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी माइनस यू। तो ये हमारी कहानी है रिवर प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन की। स्विमर खुद से स्विम कर रहा है वेलोसिटी वी से, रिवर और लेके जा रही वेलोसिटी यू से, डाउनस्ट्रीम जाते वक्त वेलोसिटी हो गई वी प्लस यू, अपस्ट्रीम जाते वक्त हो गई वी माइनस यू। आप चाहो तो इस एक्सप्रेशन से समझ सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली समझ सकते हो, खुद से इतना स्विम किया, रिवर इतना लेके गया, नेट इतना हो गया। अब इस पर बेस्ड हम एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि ये एक रिवर है जो वेलोसिटी यू से मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, और हमारे स्विमर के पास जो वेलोसिटी है, जो स्विमिंग वेलोसिटी है, वो वी है। स्विमर की खुद के स्विम करने की वेलोसिटी वी है। आपको पूछा गया है कि ए से बी जाकर और वापस बी से ए आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम फॉर राउंड ट्रिप कितना होगा बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द बैंक सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, टाइम जो लगेगा राउंड ट्रिप में दैट इज इक्वल टू टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम फॉर अपस्ट्रीम, दैट इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम जाते वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी प्लस यू, और अपस्ट्रीम आते वक्त हो जाएगी वी माइनस यू। तो टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम हो जाएगा एल अपॉन वी प्लस यू, और अपस्ट्रीम में हो जाएगा एल अपॉन वी माइनस यू। सो दिस इज इक्वल टू, नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा टू एल वी। तो ये आपका आंसर है, आप आराम से एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो। टोटल टाइम जो लगेगा वो क्या होगा, टू एल वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसी तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं आपके रिवर प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन पर। थोड़े कॉम्प्लेक्स भी बनाए जा सकते हैं, पर बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। डाउनस्ट्रीम जाते वक्त वेलोसिटी कितनी होगी, वी प्लस यू, और अपस्ट्रीम आते वक्त हो जाएगा वी माइनस यू। ऑल्दो वेक्टर फॉर्म में दोनों बार ऐड ही हो रहा है, पर डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है अपस्ट्रीम के टाइम पे। आप ऐसे याद रखिए, खुद से कि कितना गया और रिवर कितना लेके गया। ये तरीका आगे के क्वेश्चंस में भी काम आएगा जब हम पढ़ेंगे रिवर प्रॉब्लम इन टू डायमेंशन। थैंक यू।